अभी कहाँ जा रहे हैं नन्नू? हम लोग कहाँ है? शिकम भी है तो अभी गाइस मैंने ये सारा फ्रूट, कौन सा फ्लावर अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग में से किसी को अगर पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। रखना चाहिए घर में, और उससे घर में मस्कीटोज नहीं आते हैं, ऐसा नहीं करें आप लोग। अगर आप लोग कम तो अभी कैप्सिकम का सीजन है। और ये ग्रेसी भी हमारी वहाँ बैठी हुई है, क्या खा रही है ग्रेसी? पता गुलाब का पौधा क्यों सूखता है? और तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं नन्नू? हम लोग जा रहे हैं फ्लावर गार्ड खरीदने। आया है प्लांट हमारी माँ से पीछे है, तो बहुत सारा प्लांट्स है। मैंने 2-3 प्लांट्स के लिए बोला हुआ था भैया को, और मेरे लिए वही वो प्लांट्स लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्लांट है। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि भैया ला देते हैं, बोलने से कुछ भी चाहिए तो आपको भी दिखाएंगे। चलिए कहाँ है वो? मैंने पॉट वाला आएगा दीदी, ये पॉट में वो भी कलर ऐसा। हाँ, ये पॉट के साथ में मैंने शिफ्ट किया कलर वाला, तो आपका पॉट में शिफ्ट कर देता हूँ। कर दीजिएगा। गुलाब दो, गुलाब अच्छा। वाओ, कैप्सिकम भी है। हाँ, तो अभी कंफ्यूजन है कौन कौन सा प्लांट लूँ। शिफ्ट कर दे, ये भैया लेके आए बहुत मस्त। और गुलाब का गाछ जो था वो सूखा नहीं है, अच्छा है क्वालिटी, बहुत अच्छा है क्वालिटी। कभी देखते हैं क्या क्या कैसे है शिमला मिर्ची। ठीक, तो हमारे आने से पहले हमारे प्लांट सारे आ गए, तो मैंने ये सारा प्लांट्स लिया है। रोज है, पिंक बुके रोज है ये, और ये सब प्लांट है तो इसको लेके चलते हैं अंदर। ये जो है ये वाला, ये समी का प्लांट है, और इसको मेन गेट पे रखना चाहिए, ये वास्तु दोष को सही करता है। और ये कैप्सिकम, तो मैंने ये सारे प्लांट्स लिए हैं। तो ये वाला, और ये भैया बहुत रिजनेबल प्राइस में देते हैं, ये लाइक 20 रुपीज़ का है, 25 रुपीज़ का है। तो ये वाला सेम है, बट कलर डिफरेंस है। आप लोग को कौन सा प्लांट, कौन सा फ्लावर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दिस वन इज़ ऑल्सो सो नाइस, ये 40 रुपीज़ के हैं, और ये सदाबहार है, ये हमेशा उगेगा। और आप इसको हैंगिंग पॉट में रखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। मुझे इसका नाम नहीं पता है, इसका नाम वो भैया बता रहे थे, मैं भूल गई, फिर से मैं पूछ के बताऊंगी। आप लोग में से किसी को अगर पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स पसंद है, फ्लावर्स पसंद है। आप मुझे मेरे बालकनी देख के समझ आ रहा होगा। तो अभी मैंने उनसे एक पान का गाछ मंगवाया है, पान का पत्ता की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उनसे अभी एक पान का प्लांट मांगा है, पान का प्लांट रखना चाहिए घर में, और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है पान का स्मेल, और कभी कभी पूजा पाठ में भी काम आ जाता है। तो आप लोग रख सकते हैं, छोटा सा प्लांट है, मनी प्लांट के जैसे ही दिखता है, और बहुत सुंदर का जो ग्रीनिश कलर है, और मैंने जहाँ तक सुना है वो एयर को भी प्यूरीफाई करता है। और एक मैंने एक और प्लांट लिया है, ये वाला, तो ये लेमन ग्रास प्लांट है, मैं इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। तो इसको भैया बता रहे थे कि लेमन ग्रास है, और जब मैंने, और उन्होंने ये कहा भी कि इसके वजह से घर में मस्कीटोज नहीं आते हैं। और जब मैंने स्मेल इसको किया था तो इसका स्मेल लाइक ओडोमोस जो वो लिक्विड फॉर्म में आता है बच्चों के लिए, तो उसी का स्मेल इससे आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका यूज़ उसमें किया जाता होगा, मुझे डीपली तो नहीं पता है। अगर आप लोगों को ये पौधा पता होगा, देखे होंगे, रखा होगा किसी ने, तो मुझे कमेंट करके बताना गाइस। तो इससे मच्छर बिल्कुल भी घर पर नहीं आते हैं। मैंने एक दो भाभी के घर में देखा था इसको, तो मैंने उनसे बोला था मेरे लिए ला दीजिएगा, और 1-1.5 महीना के बाद उन्होंने लाया है। तो ये इसमें फ्लावर्स नहीं आते, ये जस्ट ऐसे ही है। ओ माय गॉड, सॉरी। तो ये ऐसे ही है, तो और इसको आप रख दो। और मैंने इसको मंगवाया है, तो मैं इसको 1 वीक तक तो इसको प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूँगी, बिकॉज ये मेरे घर पे थोड़ा सा मतलब माहौल में ढल जाए, देन आफ्टर मैं इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे पॉट में। कितने लोग करते हैं क्या, और कहते हैं मतलब नर्सरी के प्लांट लगते नहीं है, वो ख़रीदने के साथ ही इसको अनपॉट कर देते हैं। तो वैसा नहीं करें गाइस, ऐसा नहीं करें आप लोग। अगर आप लोग कहीं से प्लांट खरीद के लाते हो, या कहीं के किसी के घर से तोड़ के लाते हो, तो उसको एटलीस्ट रख दो। तो उसको 4-5 दिन के लिए रख दीजिए,
जितना ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए उसको सेम, मतलब जो नर्सरी से हम लोग लाते हैं, जो मिट्टी में लाते हैं, जो प्लास्टिक में फूल होता है, उसको वैसे ही रख दें। ज्यादा से ज्यादा आप प्लास्टिक निकाल के उसको गमले में रख सकते हैं, बट उसको हिलाइए डुलाइए, उनको बस उसको हिलाना नहीं है, उसको टच मत करिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए। वो जब आपके घर के माहौल के साथ सेट हो जाएगा और उसके बाद प्लांट करिए। मैंने पहले यही बहुत सारी गलती करी हुई थी और मेरे प्लांट्स टिकते नहीं थे, तो मैं क्या करती थी, बाजार से लाती थी और तुरंत उसको मैं अनप्लांट कर देती थी और अपने वाले प्लांटर में डाल देती थी। तो जब वो सूख जाता था तो मुझे क्या लगता था, और सब लोग भी बहुत जन मुझे बोलते थे कि नर्सरी का प्लांट लगता नहीं है, सबसे लगता नहीं है। तो जब मैंने नर्सरी से पूछा, फिर जो माली भैया हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप खरीद के लाओ प्लांट, उसको तुरंत मत प्लांट में डाल, मतलब प्लांटर में डाल दो, उसको ऐसे रहने दो 5 दिन 10 दिन, उसके बाद मिट्टी चेंज करो, तो आपके एटमोसफियर में वो ढल जाते हैं। लोग, हम लोग जैसे इंसान होते हैं, कहीं पे भी नए जगह में जाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं। तो पता था ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट ऐसे ही ट्राई करना और आपके भी प्लांट ज़रूर 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 लगेंगे, अगर जिसके भी नहीं लग रहे हों तो। चलिए, और मैंने एक प्लांट लिया है, अला देखिए, ये देखिए, तो ये रोज़ है, ये पिंक रोज़ है, और इसकी और इसको बुके रोज बोला जाता है। बुके रोज यानी कि वो ऐसे कली के जैसे बंद रहते हैं, और एक होता है ऐसे खुला हुआ रोज, तो वो उतना वो अच्छा लगता है, बट वो उसके पत्ते बहुत झड़ जाते हैं, वो टिकते भी बहुत कम है। मेरे पास है, उसमें येलो है, मरून है, बट ये मुझे बुके पसंद था, बुके वाला रोज। किसी को आप गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल वगैरह, मैम वगैरह का बर्थडे पार्टी, बर्थडे रहते हैं, दोस्तों का बर्थडे रहता है, तो आप आराम से उसको तोड़ सकते हो और दे सकते हो। और ये वाला पिंक कलर का है, मीठा मीठा पिंक कलर का, ये जब उगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखते हैं ये कब उगता है। अभी तो आने वाला है टाइम, मेरे ख्याल से ग्रेसी जब फर्स्ट स्कूल जाएगी तब तक ये रोज़ आ चुका होगा और वो अपने मैम के लिए लेके जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सा है और ये देखिए इस तरह से थैला में आया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, बस मैं रोज़ पानी देते रहना आपको, और पानी देना नहीं छोड़ना है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इसका मेरे पास और 2 कलर है, एक का अभी तक उगा नहीं है, एक का वाइट कलर का है ये मुझे, और मैंने इसको लगाया भी था, बीच से मैंने उगाया भी था, प्रीवियस ब्लॉग में मैंने दिखाया था। ये जब मैं बाहर गई, शादी में गई, तो वो प्लांट सूख गया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, तो इस बार मैंने ये प्लांट ही खरीद लिया, तो इसको मैं छोड़ दूंगी। तो ये वाला पौधा से मच्छर नहीं आता है, इसको लेमन ग्रास बोलते हैं वो, और इसका स्मेल सच में ओडोमोस के जैसा है। तो मैं अभी इसका कलर आपको दिखाती हूँ, तो ये वाला वाइट है मेरे पास, और इसमें हल्का हल्का पिंकिश टेक्सचर है, देख रहे हैं, और ये कितना प्यारा कलर है, और ये भी इसी का कलर है। तो ये देखने में इसके पत्ते घास के जैसे होते हैं, और मेरे पास एक है उसमें है, वो बकेट में है, वाइट वाला बकेट में, बट अभी तक उसे फूल नहीं आया है, और वो मैंने 10 रुपये में ख़रीदा था, इतना छोटा था, इतना छोटा, तो 10 रुपये में, ये भी मैंने 10 रुपये का है, ये मैंने 10 रुपीज़ में परचेज किया था, और ये अभी इतना बड़ा हो गया है, और जब ये बड़ा हुआ है तो ये मुझे 25 रुपये मिला है। तो ये, और ये देखिए गाइस, पुदीना, तो मैंने पुदीना लाया था चटनी बनाने के लिए, तो उसमें से एक स्टीम उसको पानी में डुबो दिया, 2-3 दिन में जब उसके मतलब रूट्स आ गए, तो मैंने उसको प्लांट में, तो उसको मैंने मिट्टी में, उसको सॉइल में डाल दिया, और ये फाइनली इतना बड़ा हो गया। ये कुछ नहीं था, ये नॉर्मल एक स्टीम था, क्योंकि इसके पत्ते मैंने यूज़ कर लिए थे और फिर मैंने इसको ऐसे ही लगा लिया था। तो ये मेरा छोटा सा फ्लावर कलेक्शन मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए, ये वो प्लांट्स जिसे पानी बहुत कम चाहिए होता है, धूप भी कम चाहिए होता है, और ये सब ये स्नैक प्लांट है, इसमें अगर धूप में रखेंगे तो इसका कलर जो है येलोइश हो जाएगा। मैंने ऐसा कर दिया था, रखा था बहुत दिनों तक, बाहर चली गई थी, तो ये हल्का हल्का येलोइश हो गया है। तो ये सारे प्लांट्स, एलोवेरा में तो पानी बहुत कम चाहिए, अगर किसी का एलोवेरा गल रहा है तो उसमें पानी आप कम डालिए, 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में भी एक बार आप डाल सकते हो, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। का पौधा क्यों सूखता है, तो आप देखो, नॉर्मल पत्ते गुलाब के कितने हैं, 5 पत्ते होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 पत्ते हैं। तो ये देखिए, ये कितने पत्ते, इसमें 7 लीव्स है, 2 4 6 7, तो ये जंगल है,
तो इसे काट देना चाहिए, इसकी वजह से आपका प्लांट सूख सकता है, क्योंकि जितना भी आपका न्यूट्रिशन है तो ये प्लांट ले लेता है। देखिए ये एक ही गुलाब का पेड़ है, पर यहाँ पे देखिए 7 पत्ते वाला स्टीम निकल गया है, ये पूरा 7 पत्ता इसमें, ठीक है, इसमें पूरा 7 पत्ता निकल रहा है। ओके, भी बहुत ही सॉफ्ट होगा, तो ये अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके वजह से हमारा ये हेल्दी पौधा सूख सकता है, तो हम इससे काट के निकाल देंगे। तो ये निकाल दिया और ये फेंकने लायक है। ये जंगल है, इसमें कोई फ्लावर भी नहीं आएगा, और जो भी आपका मिट्टी का जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ये ले लेगा, तो इसे हम फेंक देंगे। तो मैंने इसमें एक रखा है ये पॉट, इसमें मैं जितने भी सूखे पत्ते वगैरह काट छाट के इसमें डालती हूँ, और जब ये सूखने के बाद मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इसको काटा, और भी मैं चेक कर लूँगी, और आप लोग भी अगर आपके गुलाब के पौधे सूख रहे हैं तो आप गौर करिएगा आपके प्लांट में भी इस तरह के 7 पत्तों वाले लिप्स निकल रहे होंगे, तो उन्हें आप प्लीज़ काट के हटा दें, तो बहुत ही आपका गुलाब फूल का पौधा ग्रो करेगा अच्छे से। तो इसमें नहीं है, और मेरे पास एक और ये गुलाब का पेड़ है कि इसमें ये निकल गया, अपने आप निकल गया होगा, मिट्टी में हो सकता है इसका बीज हो। तो हम ये ड्राई लीव्स भी इसको निकाल देंगे और इसमें रख देंगे, और इसमें भी अगर 7 पत्तों वाला निकला होगा स्टीम तो उसे हम काट के हटा देंगे। ये देख सकते हैं इसमें 7 पत्ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सारे जंगल होते हैं, और इसमें जो है 5 पत्ते वाले वो बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें ही फ्लावर्स आते हैं। तो ये हो सकता है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल टिप हो, आप भी अपने प्लांट में ऐसा करके देखिएगा, और रोज़ के साथ। तो ये देखिए हवा बहुत सुंदर चल रही है, और मेरा एक रोज़ का प्लांट ये है, तो इसमें भी 7 लीव्स आए होंगे, तो ये बीच बीच में आ जाता है, बस आपको ध्यान रखना होता है और छाँटना होता है। 2, 4, 5, ये 5 ही है। तो 7 पत्तों वाला ये देखिए इसमें 7 पत्ते हैं, तो इसको हमने काट दिया है, और अब इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावर आने वाला है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहा है प्लांटिंग में, और बच्चे लोगों को प्लांट में जरूर हिस्सा देना, बच्चे लोगों को जरूर हिस्सा दिलाना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे पौधा तोड़ देते हैं, घर में रखने नहीं देते, पर जब आप अपने बच्चों से प्लांटिंग करवाओगे तो वो फिर नहीं तोड़ेंगे, फिर वो ख्याल रखेंगे बहुत। तो हनु भी करते हैं, ग्रेसी भी करती है प्लांटिंग, तो आज हनु ने अपना सेक्रीफाइस किया है। ये जो बकेट है ये कोई वास नहीं है, हाँ रुकिए बेटा रुकिए, एक बार बता दे, तो ये जो बकेट है ये क्या है बेटा, ये किसका है? हाँ तो ये साइकिल का इसका बकेट है, तो नन्नु ने आज मुझे दिया है गिफ्ट, है ना? तो हन्नू ने बोला मम्मा इसमें आप प्लांटिंग करो, तो ये इसका यूजलेस था बिकॉज इसका साइकिल टूट गया है, तो ये बकेट इधर से उधर हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे प्लांट कर लूं। और ये थोड़ा सा हैंगिंग प्लांट है, तो मैं इसको क्या करूंगी, डोरी लगा के रख दूंगी। देखिए हन्नू बहुत अच्छे से मेरा हेल्प कर रहा है। नन्नू वहाँ हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। क्योंकि आपने मेरा हेल्प किया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। खाओ दीदी को भी खिलाना दो। ग्रेसी भी हमारी वहाँ बैठी हुई है, क्या खा रही है ग्रेसी, दिखाओ चेहरा अपना, क्या है आज? तुम तो मौसी के घर से आके भूल गई है हम लोग को। तो ग्रेसी क्या खा रही है नाश्ते में? इडली खा रही है। आज मैंने सूजी का इडली बनाया था, और क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी हो गया था, रात को हम लोग लेट सोए थे, और ग्रेसी आई थी तो उसकी बातें सुन रहे थे, फिर जाके अभी उठा है, तो मैंने इडली बना दिया है, सब खा के चले गए हैं, ये भी खा रही है। तो ये वाला ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, और नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आई एम श्योर।
आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे वो वाला ब्लॉग देख के। तो प्लीज़ प्लीज़ अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस पे नहीं करना है, जैसे कि हंसने का कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता हो तो, अदरवाइज़ आप क्यों ही करोगे, है ना। और करने में टाइम भी लगता है, शायद पैसा ना भी लगे तो टाइम तो लगता होगा, जाना है, क्लिक करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी आप क्लिक कर दीजिए।